हम देखते हैं कि डाइजो ने गोरस को मार दिया होता है और उसे ऐसा करता देखकर थाइमस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन डाइजो को इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। तभी हम देखते हैं कि थाइमस अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है। इस पे डाइजो कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारे भाई के मरने का बहुत ही ज्यादा दुख है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरा यही काम है, मैं गॉड किलर हूं और मेरा यही पेशा है। मुझे गॉड्स को मारना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इस काम को करने में बहुत मजा है। और अब अगली बारी तुम्हारी है। डाइजो जैसे ही ये बात कहता है, हम देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और थाइमस गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। इसे देखकर डाइजो कहता है, ये अपनी ताकत को पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ा रहा है, लेकिन इन सभी चीजों का कोई भी मतलब नहीं बनेगा। तुम भला क्या ही कर लोगे थाइमस? तभी हम देखते हैं कि थाइमस गुस्से में डाइजो पे अपना हमला करता है। डाइजो कुछ नहीं करता और सामने खड़ा रहता है और वो थाइमस के हमले को रोकता है और उससे कहता है, तुमने क्या कहा था? तुम ओमनी ब्लड हो, ज़ेनोसमा के बड़े बेटे, तुमने वो होकर भी क्या ही कर लिया? मैं सब कुछ तुम्हारे बारे में जानता हूं, सब कुछ। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपने यूनिवर्स से बाहर निकाल दिया था। पता है क्यों? क्योंकि तुम कमजोर हो और तुम उस लायक नहीं हो। इस पे थाइमस कहता है, अपना मुंह बंद रखो। ये कहने के बाद थाइमस अपनी ताकत को थोड़ा और बढ़ाता है और गुस्से में उस पे फिर से एक पंच करता है। डाइजो फिर से उसे रोकता है, लेकिन इस बार वो थाइमस के पंच से काफी पीछे हट जाता है। इस पे डाइजो कहता है, क्या बात है, मैं तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रहा था, लेकिन तुमने मुझे थोड़ा सा गलत साबित कर दिया। तुम थोड़े से कमाल के हो, लेकिन उतने भी नहीं कि तुम मुझे हरा पाओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि थाइमस गुस्से में फिर से डाइजो पे अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डाइजो उसके हमले को फिर से रोकता है और उसे एक जोर का किक मारता है, जिसकी वजह से थाइमस काफी दूर जाके गिरता है। इस पे डाइजो कहता है, ये देखकर वाकई में मुझे बुरा लगा कि ज़ेनोसमा का बड़ा बेटा इतना कमजोर है, तुम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि थाइमस फिर से खड़ा हो जाता है और अपना हमला उस पे करता है, लेकिन डाइजो दोबारा से उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, मैं समझ गया, तुम किसी भी काम के नहीं हो। मैं जानता हूं तुम अपने पिता के मुकाबले कमजोर हो, लेकिन इतने ज्यादा कमजोर, मैंने तुम्हारे छोटे भाई को तुम्हारी आंखों के सामने मार दिया, तुम कुछ भी नहीं कर पाए, तो भला तुम अब क्या ही कर लोगे? मैं अब बोर हो चुका हूं, तो इस लड़ाई को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डाइजो थाइमस पे एक खतरनाक हमला करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। इस पे डाइजो कहता है, चलो अब ये भी खत्म हुआ, अब मुझे बाकी गॉड्स को ढूंढने हैं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि
डाइजो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से थाइमस कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम्हें सच में लगा था कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? मेरे पास अब पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं बचा है। मेरे माता पिता, भाई, सब मारे गए। एक गोरस था, मेरा छोटा भाई, जो कि जिंदा था। तुमने उसे भी मेरे सामने मार दिया। तुम्हारी मौत इतनी दर्दनाक होगी जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। डाइजो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या भला ये कैसे हो सकता है? ये मेरे उस हमले को झेल गया? ऐसा करना मुमकिन नहीं है, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो। नहीं, ये नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि थाइमस अचानक से डाइजो पे अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। डाइजो उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि थाइमस अचानक से डाइजो के सामने से गायब हो जाता है। डाइजो को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी थाइमस डाइजो के पीछे से एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि डाइजो बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। इस पे थाइमस कहता है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ नहीं, मैं इस पूरी सृष्टि में अकेला हूं। थाइमस का सब कुछ खत्म हो चुका है और अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। थाइमस बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने अंदर से कई सारी शक्तियों को रिलीज करने लगता है। उसे देख के डाइजो कहता है, क्या मैं इसके बारे में गलत सोच रहा था? इसकी ताकत तो ओमनी किंग से काफी अलग है, लेकिन ये भला कैसे संभव है? लगता है सच में मैंने इसे समझने में गलती की है, लेकिन मुझे लॉर्ड सेकंड के अलावा कोई भी नहीं हरा सकता। ये मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, ये बिल्कुल झूठ है और मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं। ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि डाइजो अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है और कहता है, नहीं, ये भला क्या हो रहा है? मैं कमजोर पड़ रहा हूं, लगता है मेरे शरीर को थोड़े रिकवर होने की जरूरत है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। ये बात को डाइजो कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि थाइमस अचानक से उस पर फिर से हमला कर देता है और हम देखते हैं कि डाइजो उसके हमले को रोकने में बिल्कुल असमर्थ होता है और वो काफी दूर जाके गिरता है और थोड़ा जख्मी भी हो जाता है। इसके बाद वो कहता है, मुझे अपनी बॉडी को थोड़ा आराम देना होगा। मेरी बॉडी इतने लंबे समय के बाद उस केज से बाहर निकली है, मुझे थोड़ी से वक्त की जरूरत है। मुझे अभी यहां से शायद जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा थाइमस। तभी हम देखते हैं कि थाइमस तुरंत उस पे अपना हमला करता है, लेकिन डाइजो वहां से गायब हो जाता है। इस पे थाइमस कहता है, कायर कहीं के, मुझसे लड़ने के बजाय तुम इस लड़ाई को बीच में छोड़कर भाग गए, लेकिन तुम कहीं भी भागो, मैं तुम्हें ढूंढ कर मारूंगा और ऐसी मौत दूंगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। मेरे पास अब कोई भी नहीं बचा है, मैंने सब कुछ खो दिया। पिताजी, आप बताइए मेरा क्या दोष था? मुझसे सब कुछ छिन गया, मैं इस पूरे ब्रह्मांड में अकेला हूं। मुझे माफ करना मेरे भाइयों,
मैं तुम सब में से किसी को भी नहीं बचा सका, लेकिन इसके लिए वो सभी भुगतेंगे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जो भी इसके पीछे हैं, मैं उन सभी को मार दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि थाइमस अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि थाइमस की उस एनर्जी की वजह से उस क्रैम्बल केज के दूसरे गेट में भी दरार आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो को दिखाया जाता है जो कि ब्रोली के पास जा रहा होता है, और उधर ब्रोली मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर ये जोगा सुराकी कौन है और वो ऐसा क्यों कह रहा था कि मेरा जन्म होना असंभव है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आखिर क्या। तभी हम देखते हैं कि अकुमो अचानक से वहां पे आ जाता है। इसके बाद ब्रोली कहता है, लॉर्ड अकुमो मेरी बात सुनिए। इस पे अकुमो कहता है, मैं जानता हूं ब्रोली तुम क्या कहना चाहते हो। इस पे ब्रोली कहता है, अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइए लॉर्ड अकुमो, मुझे सारी बातें जाननी है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर लेजेंडरी साइंस का इतिहास क्या है और वो ऐसा क्यों कह रहा था। इस पे अकुमो कहता है, ये तुम्हें सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। बहुत समय पहले जोगा सुराकी एक आम सैयन जैसा ही था, लेकिन उसका ध्यान एक एंजल रखती थी जिसका नाम मीका था। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि एक एंजल भला उसके साथ क्यों है, लेकिन मैंने जब उससे पूछा तो उसने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। फिर बाद में मुझे पता चला कि जोगा सुराकी उसे पसंद करता है और वो भी उसे पसंद करती है। पहले तो मुझे लगा कि ये शायद कोई साजिश है जो कि गॉड्स ने मिलकर हो सकता है की हो। इस पे ब्रोली कहता है, लेकिन गॉड्स भला उसके खिलाफ ऐसा क्यों करेंगे। इस पे अकुमो कहता है, वो इसलिए क्योंकि जोगा सुराकी के पास लेजेंडरी पावर्स थी जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। मुझे अच्छे से याद है, लेजेंड गॉड्स का वो आखिरी वंश था। जितने भी लेजेंड गॉड्स थे उन सभी ने भी हमारे साथ बुरे गॉड्स के खिलाफ जंग लड़ी थी। कभी वो लोग जीते और कभी हम लोग, लेकिन लेजेंड गॉड्स ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। जब जब भी हमारे साथ गलत होता था वो हमारी तरफ से लड़ते थे, लेकिन काफी समय के बाद हम कमजोर पड़ने लगे तो हमने एक समझौता किया कि हम इस लड़ाई को बंद करेंगे और मैं फादर ऑफ ऑल सैयन ओमनी किंग का गार्ड बनूंगा ताकि सब जगह पे शांति हो सके और ये लड़ाई रुक जाए। सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे मीका पे हमेशा से शक था कि वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। मैंने इस बारे में जोगा सुराकी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात को बिल्कुल भी अनसुना कर दिया, जो कि वो हमेशा करता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उस पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन शायद मैं इस मामले में गलत था। इस पे ब्रोली कहता है, आप गलत थे, लेकिन कैसे। इस पे अकुमो बताता है, एक दिन जब मैं ओमनी किंग के किले में था तब ओमनी किंग ने मुझे एक मिशन पे भेजा था
डीमन लॉर्ड का किंग हमारे मल्टीवर्स में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो मैं उसे संभालने गया था। लेकिन मेरे जाने के बाद सभी साइंस पर उन गॉड्स ने हमला कर दिया। वो लोग बस लेजेंड गॉड के आखिरी वंश को मारना चाहते थे, क्योंकि वो उनके लिए आगे जाके बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। शायद ये बात पहले ही मीका को पता चल चुकी थी। उसने जोगा सुराकी से कहा, वो उन गॉड से नहीं लड़ सकती और ना ही जोगा सुराकी इतना कैपेबल है, क्योंकि उसने अभी तक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सही से नहीं सीखा है। अगर वो दोनों मिलके उन गॉड से लड़ते तो दोनों के दोनों मारे जाते। लेकिन मीका एक पावरफुल एंजल थी। उसने जोगा सुराकी को कहा, मैं तुम्हारी शक्ति को 11 हिस्सों में बांट रही हूँ, समझे जोगा सुराकी? इसकी वजह से तुम हजारों सालों तक जिंदा रहोगे और कुछ समय के बाद हर हजार साल में तुम्हारा एक हिस्से का जन्म होगा। लेकिन जोगा सुराकी ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मीका को ये सब कुछ अकेले करना था, और जब ऐसा होगा मीका उसे याद कभी भी नहीं रहेगी, वो उसे हमेशा के लिए भूल जाएगा। मीका ने उससे कहा कि उसे बचाने का एक यही रास्ता है, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो दोनों ही मारे जाएंगे। ज्यादा देर हो इससे पहले ही मीका ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, और उसी वक्त जोगा सुराकी का पूरा शरीर चमकने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहां पे कई सारे गॉड्स आ जाते हैं, और वो गुस्से में उनसे कह रहे थे, तुम हमारा साथ देने के बजाय इस सैयन का साथ दे रही हो, तुम एक एंजल के नाम पे धब्बा हो। ये कहने के बाद वो सारे गॉड्स ने मिलकर मीका पे अपना हमला करते हैं। मीका उन सभी के हमले को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन सभी गॉड्स के सामने कुछ नहीं कर पाती, और वो जोगा सुराकी के सामने ही मारी जाती है। जोगा सुराकी मजबूर था और वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब वो अलग हो रहा था तब उसने कहा था, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं एक एक करके तुम सभी गॉड्स का वजूद मिटा दूंगा, मैं तुम सबसे बदला लूंगा, मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा, किसी को भी नहीं। इस पे वो सारे गॉड्स कहते हैं, भला ये हमें क्या ही मारेगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सारे गॉड्स मिलकर उस पे अपना हमला करते हैं। लेकिन उससे पहले ही जोगा सुराकी कई हिस्सों में बट जाता है और उसकी एनर्जी बिखर जाती है। इसके बाद हमें अकुमो को दिखाया जाता है, जो कि कहता है, उन सभी गॉड्स को लगा कि जोगा सुराकी मर चुका है, लेकिन मीका ने उसे एक एनर्जी में बदलकर बचा लिया था। इस पे ब्रोली कहता है, मुझे अफसोस है लॉर्ड अकुमो, उसके साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन मुझे ये बताइए, वो मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहा था? इस पे अकुमो कहता है, ब्रोली, हर लेजेंडरी सैयन के जन्म के पीछे लेजेंड गॉड्स की एनर्जी है, उन सब ने अपनी अपनी एनर्जी को सेक्रीफाइस किया था ताकि वो एक समय के बाद लेजेंडरी साइंस के रूप में उनकी एनर्जी का जन्म हो सके। लेकिन तुम ब्रोली, तुम बहुत ही खास हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति लेजेंडरी साइंस से परे है। मैं नहीं जानता कि वो आखिर किस लेजेंड गॉड की एनर्जी है, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर जो ऑरा महसूस किया है, मैंने वैसा ऑरा आज तक कभी भी महसूस नहीं किया। बहुत सारे लेजेंड गॉड्स जो कि हमारे लिए लड़ रहे थे, वो लड़ाई के दौरान मारे गए, और उनमें से कुछ ने अपनी एनर्जी को सेक्रीफाइस किया,
ताकि वो आगे भी इस जंग को जारी रख सके। शायद वो भी कहीं ना कहीं ये बात को जानते थे कि हम पूरी तरीके से इन गॉड्स पर भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन मीका जोगा सुराकी से प्यार करती थी, इसलिए उसने उसकी एनर्जी को 11 हिस्सों में बांटा ताकि वो हर लेजेंडरी सैयन के रूप में हजारों सालों तक जिंदा रह सके। इस पे ब्रोली कहता है, लॉर्ड अकुमु, मैं आपकी बात को पूरी तरीके से समझ गया। इस पे अकुमो कहता है, ब्रोली, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। तो मैं नहीं पता, सारे के सारे लेजेंडरी सैयंस भी मारे गए थे, मैंने उन्हें ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा किया है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज भी है। एक और लेजेंडरी सैयन है जो कि बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस पे ब्रोली कहता है, क्या, कौन है वो? इस पे अकुमो कहता है, काइजो, पहला लेजेंडरी सैयन जो कि क्रैम्बल केज में सील है। मुझे उसे हर हाल में बाहर निकालना होगा, हमें उसकी जरूरत है। इस पे ब्रोली कहता है, लेकिन लॉर्ड अकुमो, उसे सील किसने किया? अगर वो इतना पावरफुल है तो? इस पे अकुमो कहता है, उसे लॉर्ड सेकेंड ने सील किया था, जो कि मेरे कहने पे किया गया था। इस पे ब्रोली कहता है, क्या आप, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? इस पे अकुमो कहता है, क्योंकि उसकी ताकत पे उसका कोई भी कंट्रोल नहीं था, और अगर वो एक बार वो बेकाबू हो गया तो वो एक साथ कई यूनिवर्स को तबाह कर सकता था, और मैंने वो तबाही देखी है, इसलिए मैंने उसे लॉर्ड सेकंड को कह के सील करवाया था। लेकिन अब हमें उसकी जरूरत है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, उसका हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। इस पे ब्रोली कहता है, लेकिन लॉर्ड अकुमो, क्या अब वो बेकाबू नहीं होगा? इस पे अकुमो कहता है, चिंता मत करो, अभी हमारे पास काफी योद्धा हैं जो कि उसे काबू में कर सकते हैं। उधर दूसरी तरफ हम गोकू और गोहान को देखते हैं, और वो दोनों यूनिवर्स 7 की तरफ जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि गोकू को अचानक से एक खतरनाक एनर्जी का एहसास होता है, और हम देखते हैं कि उसके सामने जोगा सुराकी खड़ा होता है। जोगा सुराकी गोकू को ओमनी फॉर्म में देखकर समझ जाता है कि वो एक ओमनी किंग है। इस पे जोगा सुराकी कहता है, ओमनी किंग, तो तुम मुझे मिल ही गए, पहले मैं तुम्हें मारूंगा और धीरे धीरे सारे गॉड्स की जान लूंगा।